मैं आज की जनरेशन के पेरेंट्स से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने बच्चों की काबिलियत पर शक न करें। उसका जो भी रिजल्ट आए उसे शाबाशी दें और उसे आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करें, ना कि उसकी खामियां ढूंढकर उसे डांटें। देखो मेरा रिजल्ट, दो क्लास मिलाकर 90% के साथ मेरा थर्ड रैंक आया है, लेकिन फर्स्ट रैंक लाने में मैं 2% से पीछे रह गया। विशाल, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि मुझे तेरे रिजल्ट में फर्स्ट रैंक और 95% ही चाहिए, और इससे कम रिजल्ट आए तो मुझसे बात मत करना और अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट पर भी मेरी साइन मत करवाना। बेटा विशाल, तुझे पता है कि हमने तुम्हारे लिए कितने सपने देख रखे हैं, तू कब समझेगा? सपन प्लीज, अब समझो, विशाल हमारे सपनों को साकार करेगा, थोड़ा तो विश्वास रखो अपने बेटे पर। अभी और कितना विश्वास करूं? यार तुम लोगों को हो क्या गया है? पिछले 3-3 सालों से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि विशाल को टॉप करने का प्रेशर मत दो। हाँ सपन, विशाल पे आप लोग इसी तरह प्रेशर डालते रहे तो आप लोगों का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा, ये बात याद रखना मेरी। सर, हम आपसे विशाल के बारे में कुछ बात करने आए। आई एम सॉरी डॉक्टर आशा, शायद इस साल विशाल को एडमिशन नहीं मिल पाएगा। उसका बाप अभी जिंदा है मिस्टर शर्मा, विशाल को इसी साल मेडिकल में एडमिशन मिलेगा और उसे पेमेंट शीट पर मैं दिलाऊंगा। पापा, हर काम पैसों से नहीं होता, मुझे अपनी मेहनत से मेडिकल में एडमिशन चाहिए, पेमेंट शीट की भीख से नहीं। विशाल, क्या उसे पढ़ाई का टेंशन था? डॉक्टर सपन जवाब दीजिए। डॉक्टर सपन आप चुप क्यों हैं? और क्या ये बात सच है कि आप विशाल पर पढ़ाई का प्रेशर डाल रहे थे? हर वो बच्चा जो सुसाइड अटेम्प्ट करता है वो विशाल चतुर्वेदी नहीं होता। There is no comparison between what we lost by not succeeding and what we lost by not trying.